आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें, और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए एक बात सुनिए 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 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था? 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया जिसने मस्जिद तोड़ दी आपने? छोड़ दीजिए, नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुनिए, सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना, एक मठियारो, आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ। भाई देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना क्या है कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनना पड़ेगा या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोलो आपको तकलीफ होगी अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी की तरफ से हो, और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयाँ और टेस्ट हो, सरकारी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बना के वहाँ पे फ्री इलाज देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो या महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार 10 साल तक दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम किया है। लेकिन बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधाओं के अलावा दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका, वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है, और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़वाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई, और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इंप्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करवाया, बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है, और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल
हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम, जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो मैं अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है। और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। अब मैं चाहूंगी कि हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे श्रम मंत्री बनाया, और उनका आदेश और हमारी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी जी का आदेश से मैंने सबसे पहले यही काम किया। जो हमारे वेजेस रुके हुए थे, उन वेजेस को पूरा करने का काम किया। आप ये देखोगे कि हम लोगों ने जो भी काम किए, अच्छे किए, दिल्ली में सबसे अच्छे काम हुए। जैसे स्कूल बनाए पूरे देश में सबसे अच्छे, हम लोगों ने अच्छे स्कूल बनाए। कैमरे हम लेके आए तो सबसे ज़्यादा कैमरे हम लेके आए। तो हम लोगों ने जो भी काम किया, दिल से काम किया। अभी आप लोग देखोगे कि हमने मिनिमम वेजेस भी जो लेबर की बनाई है, वो सबसे हाईएस्ट लेबर की मिनिमम वेजेस हमने नियुक्त की है। अब आप ये देखो कि कोई और भी सरकार थी, वो भी कर सकती थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों के बारे में अच्छा सोचा कि उनका भला होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अनस्किल्ड लेबर जो होगी उसकी 18,066 रुपये, और जो सेमी स्किल्ड होंगे उनके 19,929 रुपये बनाए गए हैं, और स्किल्ड वाली लेबर जो होगी वो 21,917 रुपये। धन्यवाद। मैं कंगना रनौत ने तो एक तरफ बोल दिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, दूसरी तरफ खट्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जो उस तरफ बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो मुखौटा लगाए हुए हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है
जिसने दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई। वो पाकिस्तान से घुसपैठियों को रोकने में इतनी शिद्दत से काम नहीं करते हैं जितना वो किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 3 काले कानून पास किए, और जब किसान आके सिंघू बॉर्डर पे बैठे तो उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको राष्ट्र विरोधी कहा। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। तो ये तो बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड बात है कि वो किसान विरोधी हैं, वो मजदूर विरोधी हैं और वो गरीब विरोधी हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सरकार चलाई है। चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, देश में सबसे सस्ती बिजली हो, देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां और टेस्ट हो, सरकारी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बना के वहां पे फ्री इलाज देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो या महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, देनी हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार 10 साल तक दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम किया है। लेकिन बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधाओं के अलावा दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका, वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, तो न्यूनतम वेजेस होती हैं वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी हैं। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़वाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इंप्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करवाया बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने
ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम, जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो मैं अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए है, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है। और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। अब मैं चाहूंगी कि हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे श्रम मंत्री बनाया और उनका आदेश और हमारी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी जी का आदेश से मैंने पहले, सबसे पहले यही काम किया। जो हमारे वेजेस रुके हुए थे, उन वेजेस को पूरा करने का काम किया। आप ये देखोगे कि हम लोगों ने जो भी काम किए, अच्छे किए, दिल्ली में सबसे अच्छे काम हुए। जैसे स्कूल बनाए पूरे देश में सबसे अच्छे, हम लोगों ने अच्छे स्कूल बनाए। कैमरे हम लेके आए तो सबसे ज़्यादा कैमरे हम लेके आए। तो हम लोगों ने जो भी काम किया, दिल से काम किया। अभी आप लोग देखोगे कि हमने मिनिमम पेजेस भी जो लेबर की बनाई है, वो सबसे हाईएस्ट लेबर की मिनिमम वेजेस हमने नियुक्त की है। अब आप ये देखो कि कोई और भी सरकार थी, वो भी कर सकती थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों के बारे में अच्छा सोचा कि उनका भला होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अनस्किल्ड लेबर जो होगी उसकी 18,066 रुपये और जो सेमी स्किल्ड होंगे उनके 19,929 रुपये बनाए गए हैं और स्किल्ड वाली लेबर जो होगी वो 21,917 रुपये। धन्यवाद। कंगना रनौत ने तो एक तरफ बोल दिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, दूसरी तरफ खट्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि पंजाब में चुकी आपकी सरकार, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जो उस तरफ बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो मुखौटा लगाए हुए हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर
हरियाणा के बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई। वो पाकिस्तान से घुसपैठियों को रोकने में इतनी शिद्दत से काम नहीं करते हैं जितना वो किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 3 काले कानून पास किए और जब किसान आके सिंघू बॉर्डर पे बैठे तो उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको राष्ट्र विरोधी कहा। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान पर जू भी नहीं रेंगी। तो ये तो बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड बात है कि वो किसान विरोधी हैं, वो मजदूर विरोधी हैं और वो गरीब विरोधी हैं। पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए सरकार चलाई है। चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, देश में सबसे सस्ती बिजली हो, देश के सबसे अच्छे सरकारी स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां और टेस्ट हो, सरकारी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बना के वहाँ पे फ्री इलाज देना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो या महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार 10 साल तक दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम किया है। लेकिन बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधाओं के अलावा दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो देश भर में नहीं हो सका, वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी हैं। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और हम इसे दो तरीके में देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से रोका। तब मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और ये जो इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस था उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ना सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करवाया बल्कि उसमें एक प्रावधान डाला कि जिस तरह सरकारी अफसरों का साल में 2 बार डीए लगने से जिनकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी तरह से साल में 2 बार मिनिमम वेजेस इंक्रीज होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया, एलजी साहब ने रोका, कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लड़ झगड़ कर दिल्ली के आम लोगों के हक में फैसला लेकर आई। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने
ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम, जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीस पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ भी। जो मैं अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है। और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। अब मैं चाहूंगी कि हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे श्रम मंत्री बनाया और उनका आदेश और हमारी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी जी का आदेश से मैंने सबसे पहले यही काम किया। जो हमारे वेजेस रुके हुए थे, उन वेजेस को पूरा करने का काम किया। आप ये देखोगे कि हम लोगों ने जो भी काम किए, अच्छे किए, दिल्ली में सबसे अच्छे काम हुए। जैसे स्कूल बनाए पूरे देश में सबसे अच्छे, हम लोगों ने अच्छे स्कूल बनाए। कैमरे हम लेके आए तो सबसे ज़्यादा कैमरे हम लेके आए। तो हम लोगों ने जो भी काम किया, दिल से काम किया। अभी आप लोग देखोगे कि हमने मिनिमम वेजेस भी जो लेबर की बनाई है, वो सबसे हाईएस्ट लेबर की मिनिमम वेजेस हमने नियुक्त की है। अब आप ये देखो कि कोई और भी सरकार थी, वो भी कर सकती थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों के बारे में अच्छा सोचा कि उनका भला होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अनस्किल्ड लेबर जो होगी उसकी 18,066 रुपये और जो सेमी स्किल्ड होंगे उनके 19,929 रुपये बनाए गए हैं और स्किल्ड वाली लेबर जो होगी वो 21,917 रुपये। धन्यवाद। मैम, कंगना रनौत ने तो एक तरफ बोल दिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए, दूसरी तरफ खट्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि पंजाब में, चूंकि आपकी सरकार, इसलिए सवाल पूछता हूँ कि जो उस तरफ बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, वो मुखौटा लगाए हुए हैं और सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर
हरियाणा के बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई। वो पाकिस्तान से घुसपैठियों को रोकने में इतनी शिद्दत से काम नहीं करते हैं जितना वो किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 3 काले कानून पास किए और जब किसान आके सिंधु बॉर्डर पे बैठे तो उनको आतंकवादी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको राष्ट्र विरोधी कहा। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। तो ये तो बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड बात है कि वो किसान विरोधी हैं, वो मजदूर विरोधी हैं और वो गरीब विरोधी हैं।